तो हमें पढ़ना है आज क्लास 8 साइंस का नेक्स्ट टॉपिक डिसएडवांटेज ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 8 साइंस चल रहा था। साइंस चल रहा था जिसमें हम लोग को पढ़ना है डिसएडवांटेज ऑफ फ्लूइड्स फ्लूइड्स फ्रिक्शन का डिसएडवांटेज। तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो आपकी ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड्स में मोशन करता है तो आप देखते हैं कि उसके ऊपर अगर फ्लूइड फ्रिक्शन लग रहा है तो रिड्यूस द स्पीड ऑफ द बॉडी, बॉडी के स्पीड्स को क्या करता है वो रिड्यूस कर देता है। तो हम कह सकते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन रिड्यूस द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग इन द फ्लूइड। फ्लूइड्स में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो फ्लूइड फ्रिक्शन क्या करता है कि उसके स्पीड को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। दूसरी चीज़ कि कोई ऑब्जेक्ट अगर फ्लूइड्स में मूव कर रहा है तो फ्लूइड फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए अपनी कुछ एनर्जी भी लॉस कर देता है। तो हम ये भी कह सकते हैं ऑब्जेक्ट लॉसेस देयर सम एनर्जी टू ओवरकम द फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, ब्रेक करने के लिए जो है वो अपनी कुछ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी लॉस कर देता है। एग्जांपल हम कह सकते हैं अगर कोई कार रन कर रहा है रोड पर तो कुछ जो एनर्जी होता है कार का वो यूज हो जाता है टू लॉस द ओवरकम द फ्रिक्शन विच इज एक्ट अलॉन्ग द टायर एंड द रोड। रोड और टायर के बीच जो फ्रिक्शन होता है उसको ओवरकम करने को, उसको तोड़ने के लिए जो है कुछ एनर्जी वो अपना लॉस कर देता है। ठीक उसी तरह कोई बोट हो या कोई स्टीम हो, जो स्टीमर हो जो फ्लूइड्स में मोशन कर रहा है तो वो अपनी कुछ एनर्जी क्या करता है फ्लूइड्स के द्वारा जो फ्रिक्शन ऑफर किया जाता है उसको रिड्यूस करने के लिए अपनी कुछ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी को लॉस कर देता है। ठीक अब सवाल उठता है कि बॉडी का जो सेफ होता है, मैंने आपको बताया था कि फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड करता है सेफ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का अगर सेफ कुछ हम इस तरह बनाएं कि उसके ऊपर हम फ्लूइड्स का इफेक्ट कम हो तो उसके सेफ में चेंजिंग करके ऑब्जेक्ट के जो पोजीशन, जो फ्लूइड फ्रिक्शन होता है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। तो इसलिए हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्लूइड फ्रिक्शन। तो मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्लूइड्स फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का मेथड। ठीक तो सबसे पहले तो हम क्या कह सकते हैं कि फ्लूइड को जो इफेक्ट करना है वाला सबसे बड़ा फैक्ट होता है सेफ ऑफ द बॉडी। तो फ्लूइड फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस, हम कह सकते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाई चेंजिंग द सेफ ऑफ ऑब्जेक्ट। चेंजिंग द सेफ ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सेफ को चेंजिंग कर हम उसके फ्लूइड फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। सेफ कैसा बना दें, हम स्ट्रीमलाइन बना दें।
स्ट्रीम लाइन अगर हम सेफ बना दें तो उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। स्ट्रीम लाइन का मतलब, जैसे बर्ड्स को आपने देखा होगा, बर्ड्स का जो सेफ होता है वो आगे की तरफ नुकीला होता है। कुछ एरोप्लेन आपने देखा होगा, एरोप्लेन क्या होता है, कुछ इस तब सेफ का बना रहता है। एरोप्लेन का जो सेफ होता है हमारा कुछ ऐसा होता है ना, एरोप्लेन कुछ इस सेफ का बना रहता है। इधर से दो जो है बर्ड्स की तरफ क्या होता है, इसका निकला रहता है, ठीक ना, और कुछ इस सेप का जो है हमारा एरोप्लेन बना रहता है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो करा कर, स्ट्रीम लाइन जो है हम बनाकर सेफ को बनाकर बॉडी के सेफ में चेंजिंग कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। दूसरा हम कह सकते हैं कि रॉकेट एंड आल्सो बिल्ट विद द स्ट्रीम लाइन सेफ। रॉकेट भी हमारा स्ट्रीम लाइन सेफ का बनाया जाता है। सीप का जहाज जो सीप जो होता है पानी में चलने जहाज, वो भी स्ट्रीम लाइन सेप का बनाया जाता है, ताकि जो है वो क्या करता है, वाटर के रेजिस्टेंस को कम करें। और जो हमारा रॉकेट होता है वो भी स्ट्रीम लाइन सेप का बनाया जाता है। तो रॉकेट आल्सो बिल्ड विथ स्ट्रीम लाइन सेप सो दैट दे काउंट द मिनिमम एयर रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर। तो एयर रेजिस्टेंस उसके ऊपर बहुत कम पड़े, इसलिए उसका सेप जो क्या होता है, स्ट्रीम लाइन सेप का बनाया जाता है। जितना ही स्ट्रीम लाइन सेप रहेगा, बर्ड देखते हो फ्लाई करते हैं क्योंकि उसका सेप क्या होता है, स्ट्रीम लाइन होता है, ठीक। तो इसलिए उसके ऊपर जो एयर रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम लगता है। कार जो बिल्ड होता है विथ स्ट्रीम लाइन सेप टू रिड्यूस द एयर रेजिस्टेंस कॉज्ड बाय द एयर। कार का सेप भी क्या होता है, वो स्ट्रीम लाइन ही बनाया जाता है, ताकि वो एयर रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। वही इसी प्रकार देखते हैं कि बस जो होता है वो जनरली स्ट्रीम लाइन सेप का नहीं बनाया जाता, इसलिए इसके ऊपर क्या होता है, ज़्यादा रेजिस्टेंस सफ़र होता है। और कार जो हमारा होता है वो रेजिस्टेंस स्ट्रीम लाइन सेप का हो गया। तो कार हो गया, एरोप्लेन हो गया, रॉकेट हो गया, समुद्र में पानी में चलने वाला जो सीप हो गया, सारा का सेप जो स्ट्रीम लाइन होता है। और स्ट्रीम लाइन होने के चलते ही उसको हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन जो होता है, चाहे वो एयर फ्रिक्शन की बात करें, चाहे वो वाटर फ्रिक्शन की बात करें, चाहे फ्लूड्स फ्रिक्शन की बात करें, चाहे एयर फ्रिक्शन की बात करें, सबको जो है रिड्यूस किया जा सकता है। तो ये रहा हमारा मेथड बाय रिड्यूसिंग द फ्यूड्स फ्लूड फ्रिक्शन ऑन एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ फ्लूड फ्रिक्शन। और इसके साथ जो है ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। इसके क्वेश्चंस रह गए वो मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक। बाकी अगले वीडियो में जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे साउंड। इस चैप्टर में बस इतना ही, तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो फिर हम जो है अगले चैप्टर में अगले जो है साउंड के बारे में पढ़ेंगे। साउंड क्या होता है, साउंड के बारे में शायद छोटे क्लासों में आपको पढ़ाया गया होगा साउंड क्या होता है, और यहाँ पर भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसका वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। फिलहाल जो है इसे आप नोट करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।